सिर्फ वायरल टैग से लगाकर मैंने अपने कई वीडियोस को यूट्यूब के सर्च रिजल्ट में रैंक करवाया है, कभी 5th नंबर पर, कभी 10th नंबर पर, तो इवन कभी कभी तो 1st नंबर पर भी। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इन वीडियोस में मैंने टैग्स कहां से लगाए, यार टैग्स लगाते टाइम मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी ये वीडियो यूट्यूब के सर्च रिजल्ट में रैंक करी। आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। इस वीडियो में आपको ये तो पता चल जाएगा कि आप लोग अपने वीडियोस के लिए टैग्स कहां से ले सकते हो, साथ ही मैं कुछ सीक्रेट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिनसे आप लोग अपने वीडियो को यूट्यूब के सर्च रिजल्ट में रैंक करा सकते हो इन्हीं टैग्स की मदद से। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियोस के लिए टैग्स लेने के लिए दो तरीकों का यूज करता हूं। नंबर वन, यूट्यूब सर्च बार। जब भी हम अपने यूट्यूब पर किसी भी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड कई सारे कीवर्ड जो है यूट्यूब का एआई हमें नीचे सजेस्ट कर देता है। मान लो मैं सर्च करता हूं हाउ टू फाइंड वायरल टैग्स, तो नीचे हमारे कई सारे यहां पर टैग्स आ जाते हैं, कई सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं जो कि ये हाउ टू फाइंड टैग्स फॉर यूट्यूब वीडियो, हाउ टू फाइंड टैग्स इन मोबाइल, कुछ इस तरह के कई सारे कीवर्ड हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इन कीवर्ड को आप लोग अपने वीडियो में यूज कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इन कीवर्ड या इन टैग्स को यूज करके आपकी वीडियो यूट्यूब के सर्च रिजल्ट में जाएगी। और फिर मैं यूज करता हूं तरीके नंबर टू का, जो है rapidtext.io। आपको अपने मोबाइल पर जाना है और क्रोम ब्राउजर में सिंपली सर्च करना है rapidtext.io। जैसे आप लोग सर्च करोगे आपके सामने rapidtext की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पर सिंपली आपको अपनी वीडियो का टाइटल पेस्ट करना है, उसके बाद आपको कई सारे टैग्स rapidtext प्रोवाइड कर देगा। कुछ टॉप वीडियोस जो कि यूट्यूब पर रैंक कर रही है उनसे रिलेटेड ही आपको rapidtext टैग्स देता है। और अब इन टैग्स को आपको यहाँ से कॉपी करना है, इसके बाद आपको चले जाना है अपने मोबाइल के नोटपैड में। आप लोग गूगल कीप का यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके मोबाइल में जो भी डिफ़ॉल्ट ऐप है नोट्स के लिए उसमें आपको इनको पेस्ट कर देना है। मैं भी अपनी वीडियोस के लिए कुछ ऐसे ही करता हूं, लेकिन इन टैग्स को भी मैं अपनी वीडियोस में नहीं लगाता हूं। इन दोनों तरीकों से हमें कई सारे टैग्स मिल जाते हैं, लेकिन यूट्यूब पर तो हम सिर्फ 500 लेटर्स के ही टैग्स लगा सकते हैं। और इन टैग्स को वहां से लेने के बाद अब मैं यूज़ करता हूं रिसर्च टूल का। ये सारे टैग्स लेने के बाद मैं सभी टैग्स पर एक बार पहले रिसर्च करता हूं, उसके बाद अपनी वीडियो में ऐड करता हूं। अब आप लोगों को रिसर्च कैसे करना, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपको सबसे पहले vidIQ ऐप इंस्टॉल करनी है, vidIQ ऐप को ओपन करना है। vidIQ ऐप को ओपन करने के बाद आप लोगों को वहां पर एक रिसर्च का टैब मिलेगा, उस रिसर्च वाले टैब में आपको चले जाना है। उसके बाद जो भी टैग्स हमने इन दोनों तरीकों से लिए हैं, जितने भी टैग्स हमारे पास है, उन टैग्स को हमें जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। वहाँ से हमें कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है एक एक टैग को। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें तीन चीज़ें देखने को मिलती है, ओवरऑल स्कोर, सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन। अब हमारे पास टैग्स तो कई सारे हैं, तो अब हमें इनमें करना क्या है, जब हम लोग इनको एक एक करके पेस्ट करेंगे तो आप लोगों को ये देखना है जो भी आप लोग अपनी वीडियो में टैग्स लगाओ उनका ओवरऑल स्कोर अच्छा हो, उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और उसमें कॉम्पिटिशन बिल्कुल लो हो या मीडियम हो, ऐसे टैग्स आपको लगाने हैं। सारे टैग्स के ऊपर रिसर्च करो, उसके बाद जितने भी टैग्स ऐसे आते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और उसमें कॉम्पिटिशन कम हो, वो टैग्स आपको अपनी वीडियो में यूज़ करने हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपकी वीडियो भी यूट्यूब के सर्च रिजल्ट में रैंक करेगी। तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को सब कुछ बता दिया है कि मैं अपनी वीडियो में टैग्स कहां से लेता हूं और उनके लिए मैं रिसर्च कैसे करता हूं। और आप लोगों को भी इन्हीं तरीकों का यूज करना है, उसके बाद आपकी वीडियो भी यूट्यूब के सर्च रिजल्ट में जाएगी और आपकी वीडियो के भी वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो भी कुछ था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में जो बेल आइकन आने वाला है उस पर भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।